नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माउस सेटिंग के बारे में कि ये हमारा माउस का जो पॉइंटर है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर माउस की सेटिंग में कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो वो कैसे सही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अपने विंडो बटन के पास सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माउस सेटिंग, MOUSE, MOUSE माउस, CTTING सेटिंग। इसमें माउस सेटिंग लिख लिया, ये हमारी माउस सेटिंग आ गई है। यहाँ पे नीचे भी सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, चेंज योर माउस सेटिंग, चेंज योर माउस पॉइंटर साइज, इरेज योर एक्सेस माउस सेटिंग, ये काफ़ी इसकी इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग है वो दी गई हैं। हम यहाँ पे चेंज योर माउस सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये हमारी माउस की सेटिंग जो है वो ऑन हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, इसमें हम अपना प्राइमरी बटन जो मेन बटन होता है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमें प्राइमरी बटन लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, यहाँ से वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया गया है दूसरा कर्सर स्पीड, कर्सर की स्पीड को हम सेट कर सकते हैं, ये हम अगर कम कर देंगे तो कम हो जाएगी और ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें ना कम रखनी है ना ज़्यादा रखनी है, नॉर्मल रखनी है जो सबसे बेहतर होती है। उसके बाद रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल, और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया कि मल्टीपल लाइन एट द टाइम, एक टाइम में मल्टीपल लाइन को करना है, वन स्क्रीन एट द टाइम। ये रोल का जो स्क्रॉल बटन होता है, जो पहिया लगा होता है, उसका क्या काम होता है वो इसमें बताया गया है। तो चूज हाउ मेनी लाइन्स टू स्क्रॉल ईच टाइम, यहाँ पे ये दिया गया। अगर हम इसे कम ज़्यादा कर लेंगे तो यहाँ से भी इसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद अगर हमको माउस का और भी कुछ परिवर्तन माउस में लाना है तो यहाँ पे ये दिखा रिलेटेड सेटिंग, एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज और एडिशनल माउस ऑप्शन। तो एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया गया, देखिए ये कर्सर का स्टाइल चेंज पॉइंटर साइज, ये हमारा जो पॉइंटर का साइज है जो दिख रहा है इस समय, ये अगर हमें बड़ा करना है तो यहाँ पे बड़ा होता, देखिए बड़ा होता चला जाएगा, जितना भी बड़ा चाहें उतना बड़ा हम इसका ये हम कर सकते हैं पॉइंटर अपना, ठीक है। लेकिन हमको वही साइज रखना है, वो सबसे बेहतर है। उसके बाद में यहाँ पे चेंज पॉइंटर कलर, हमको किस कलर में अपने माउस पॉइंटर को रखना है, ब्लैक में रखना है, देखिए ब्लैक हो गया है, थोड़ा काला और थोड़ा ब्लैक रखना है तो ये उस हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद में ये अगर कलर्ड रखना है तो ये कलर्ड हो जाएगा, इसमें कस्टम कलर दिए गए हैं। यहाँ पे और भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में हमको रखना है वही से कलर में हम अपने माउस के पॉइंटर को कर सकते हैं। यहाँ से भी कोई कलर और भी पिक कर सकते हैं जो हमको अच्छा लगे, मिक्स करके कर सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहें माउस पॉइंटर वैसा कर सकते हैं। उसके बाद में हमको रखना सिंपल ही है, ठीक है। उसके बाद टच पैड सेटिंग दी गई है, इसमें टच की सेंसिटिविटी को हम लो और हाई जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हमको मीडियम ही रखनी है, लो हाई नहीं करना है, ठीक है। ये तो हमारी माउस की सेटिंग हो गई। यहाँ से हम कैसे माउस को हम चेंज कर सकते हैं, माउस के बटन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर माउस को लेफ्ट वाला बटन हम चाहते हैं राइट में काम करें तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे तो हमारा बटन का जो वर्किंग होगा कंडीशन वो चेंज हो जाएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम इससे भी अच्छी जानकारी लेकर आएंगे।